बच्चों लेक्चर 15 सॉल्यूशन में हमने न्यूमेरिकल दिया था, लेक्चर 16 सॉल्यूशन में भी क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, सॉल्व कर लिए होंगे। लेक्चर 15, आज लेक्चर 17 चल रहा है। लेक्चर 17 सॉल्यूशन, लेक्चर 15 में एक न्यूमेरिकल दिए थे जो सॉल्व करना था, सारे मानों को सही सही भरना था, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड को 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.45 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। एसिटिक एसिड के डाइमराइजेशन की गणना मोलर अवनमन नियतांक Kf 5.12 केल्विन केजी पर। मैंने बताया था डेल्टा सी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलरिटी। मोलरिटी मीन्स विलेय का ग्राम में मात्रा अपान विलेय का अनुपात इंटू विलायक का ग्राम में मात्रा। चाहिए किसमें किलो ग्राम, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ये हो गया मोलरिटी, विलेय का ग्राम में मात्रा अपान विलेय का अनुपात इंटू विलायक का किलोग्राम में मात्रा। ग्राम है तो 1000 से डिवाइड करोगे ऊपर 1000। आप अफसोस ये सब हो रहा, कितने अणुओं का दो। अभी पूछा गया है डी मेराइजेशन की गणना करो, इंटू स्मॉल आई 1/2 है। मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आई के साथ की नीचे गए विरोधी ऊपर, यानी कि स्मॉल आई इज इक्वल टू डेल्टा की एफ इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टी एफ एम डब्ल्यू ऊपर के एफ स्मॉल डब्ल्यू और 1000। सारे मानव पहले क्लियर किया था स्मॉल आई इक्वल टू डेल्टा टी एफ हिमांक में कमी 0.45 स्मॉल एम क्लियर कर दिए थे, 60 कैपिटल डब्ल्यू 20 के एफ 5.12 स्मॉल डब्ल्यू 0.2 इंटू 1000। हमने कहा था सही सही मान निकालोगे पिछले वीडियो में, जानबूझ कर केएफ ऊपर किए थे ताकि सही कर सको। इसको साफ करोगे 0.52 सही आए। अब डिग्री ऑफ डीमेराइजेशन यानी कि अल्फा का मान एसोसिएशन का सूत्र बताए थे, स्मॉल आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। कितने अणुओं का एसोसिएशन, दो, एन का वैल्यू दो। अब एसपी एसिड दो अणुओं का एसोसिएशन इसका सूत्र क्या निकाला गया, वन माइनस अल्फा
प्लस अल्फा बाई टू यानी कि वन माइनस अल्फा बाई टू आई इज इक्वल टू ए आई का मान निकालिए आप वन माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू आई अल्फा बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस आई अल्फा वन माइनस वन हाफ फैक्टर इंटू टू और सारे मानों को भर दिया जाए अल्फा इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव टू सेवन इंटू टू यह आ गया 9.046। अगर परसेंट में लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये था लेक्चर 15 का महीना लेक्चर 16 में पठनाम पराशरदास इमाम का बढ़ता क्रम देना था। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, समझा दिए थे सब। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। निम्न समान मोलर सांद्रता के विलयनों को पराशरदाब पथनाल और माल से क्रम में पहला हमने सीरियल के लिए दूसरा यम जी सीरियल शुरू के लिए एल्युमिनियम सल्फेट विलयन डिसोसिएशन 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 बताए थे। विलयकणों की संख्या के बढ़ने पर पराशरदाब बढ़ता है, पथनाम बढ़ता है, इमाम घटता है, क्योंकि इमाम में आवानमन होता है। फर्स्ट में हमने आए सीएल आए वन प्लस वन टू हो गया, एम जी सीएल टू एम जी आए प्लस टू सीएल आए। फर्स्ट हमने सीएल गिब्स हमने आए प्लस सीएल आए आई वैल्यू वन प्लस वन यानी विलय कणों की कुल संख्या। इसी तरह से सेकंड एम जी सी एल टू एम जी सी एल टू से एम जी आया प्लस टू सी एल आए वन प्लस टू थ्री हो गया आई वैल्यू थ्री यानी विलय कणों की कुल संख्या थ्री। तीसरा एयर टू एफ पर फोर का प्राइस टू एयर आए प्लस टू सल्फेट आए
3 not 3 subjects. 2 plus 3. I count. Same molar sandrata. Same molar sandrata. Both multiply kar dena. 3 se multiply kar dena. 5 se multiply kar dena. जैसे जैसे मान बढ़ेगा वैसे वैसे पराक्रम बढ़ेगा, पथनाल बढ़ेगा, इमान घटेगा। तो पथनाल का क्रम पराक्रम का क्रम सेम है, इमान का क्रम उलट देगा। आओ एक बार करेगा वाप राव अभन मन एंड आप एक्सटिव वास दाद अवनमन रिलेटिव प्रोवाइड आप वेपर प्रेशर बाद राहु का नियम वास दाब वेपर प्रेशर फर्स्ट वेपर प्रेशर वास दाब क्या है? गैस अणुओं की तरह है, सर्वों के भी अणु सभी दिशाओं में गति करते हैं, जिससे गति ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी गति ऊर्जा के कारण द्रव के अणु वाष्पित होते हैं। द्रव के सतह पर पाए जाने वाले अणुओं की गति ऊर्जा उस द्रव के शेष अणुओं की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए सतह के ही अणु वाष्पित होते हैं। यानी कि जिन अणुओं की गति ऊर्जा अधिक होती है वही अणु वाष्पित होते हैं। अब स्थिर ताप पर बंद बर्तन में द्रव को लिया जाए, बंद बर्तन में सरफेस पर पाए जाने वाले अणुओं की गतिज ऊर्जा शेष अणुओं से अधिक होता है, इसलिए सरफेस पे ही अणु वाष्पित होते हैं। अब यह अणु सतह को छोड़कर ऊपर उपलब्ध स्थानों में एकत्रित होते हैं। द्रव से वाष्प के बनने के प्रक्रिया को प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं। वाष्पन एवापोरेशन
सकता है कि हम अधिक गतिज ऊर्जा के कारण इनमें से कुछ अणु वेपर में परिवर्तित होते हैं, द्रव से वेपर के बनने के प्रोसेस को एवापोरेशन करते हैं। आप वाष्प के अणु भी गति कर रहे हैं चारों तरफ, इन अणुओं में टक्कर होता है, टक्कर होने के कारण नीचे आते हैं, नीचे आने पर सरफेस अणुओं से टकराते हैं। इस टक्कर से वाष्प के कुछ अणु, कुल नहीं कुछ अणु द्रवित होते हैं। वाष्प से द्रव के बनने के प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। एवापोरेशन, कंडेंसेशन, ये दो द्रव्य प्रक्रियाएं साथ चलती हैं। आरंभ में रेट ऑफ कंडेंसेशन जीरो था, जैसे जैसे समय बीतता गया कंडेंसेशन का रेट दर बढ़ता गया। एक अवस्था ऐसा आता है जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट बराबर हो जाता है, इस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। यानी कि रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, वाष्प का दर द्रवण का दर सूत्र के बराबर हो जाता है। इस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर डाला गया दाब वाष्प का वेपर प्रेशर कहलाता है। आप इसलिए वास्तव अधिक था। जब अवास्तव विलय कृष्ण
ला कर बेलिया बनाया गया, वायुओं की गति कट गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, पेपर का बनना कम हो गया। इसका तो पेपर बनना नहीं है क्योंकि अब आप तस्वीर है, पेपर दूसरी विनायक का बनना था। जब सलूट आया गति कट गई, वाष्प का बनना कम हो गया, यानी कि पेपर प्रेशर कट गया। जब नाम थोड़ा टाइम सलूट को थोड़ा विलायक में छोड़ा गया, बने हुए सोल्यूशन का वेपर प्रेशर विलायक के वेपर प्रेशर की अपेक्षा कम हो गया। मान लो विलायक का वेपर प्रेशर, विलायक का वाष्प दाब भी है और विलयन का वाष्प दाब पी का मान पी एस से विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब आवरण कहते हैं। वाष्प दाब पी और विलयन का वाष्प दाब पीएस के अंतर को वाष्प दाब आवरण कहते हैं। यानी कि वाष्प दाब आवरण विलायक का वाष्प दाब आवरण इज इक्वल टू विलायक का वाष्प दाब माइनस विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। विलायक का वाष्प दाब इज इक्वल टू पी माइनस या वाष्प दाब आवरण पी माइनस पी एस सापेक्षिक वाष्प दाब आवरण। विलायक का वाष्प दाब आवरण और विलायक का वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक वाष्प दाब आवरण कहते हैं। विलायक का वाष्प दाब पी माइनस पी एस और विलायक का वाष्प दाब के अनुपात को
लाभ लाभ भावना टेम्परेचर के बढ़ने पर वाष्प दाब आवनमान बढ़ता है, परंतु आपेक्षिक वाष्प दाब आवनमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब की वृद्धि से विलायक बढ़ता है, जबकि अपेक्षित वाष्प आवनमान पर कोई प्रभाव नहीं। वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यह तीनों हमने क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद राबुल्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड एग्जामिनेशन में सारे कंपटीशन में जल रहा है। राबुल्ट नियम ये अगले वीडियो में देखें।